दोस्तों, मैं गौरव राज चौहान फिर से एक बार आपके सामने लेकर के आया हूँ एक वीडियो। और ये जो वीडियो है, मैंने आपको ये वीडियो व्हाइट इंटरैक्टिव बोर्ड का प्रो वर्जन लेकर के आया हूँ। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो आपको बताया था, एक बेसिक वर्जन, और उसमें मैंने कहा था कि मैं बहुत जल्द ही आपको प्रो वर्जन में बताऊंगा, ठीक है। और अगर जिन लोगों ने हमारा बेसिक वर्जन का वीडियो नहीं देखा है, अगर उनको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और अब आगे जो है, मैं आपको प्रो वर्जन के बारे में बताना जा रहा हूँ। और इसमें मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, बहुत लोगों का इंक्वायरी ऐसा था, ये जो इंटरेक्टिव बोर्ड लगेगा सर, इंटरेक्टिव जो किट लगेगा, इसमें क्या क्या चीजें लगता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक आपके पास प्रोजेक्टर होना चाहिए, उसके बाद हम लोग इंटरेक्टिव किट प्रोवाइड करते हैं, और वो एक लैपटॉप या कंप्यूटर से, सीपीयू से वो कनेक्ट होता है, और तब ये चलता है और फंक्शनल होता है। और हाँ, जिनको ऐसा नहीं है, हम लोग प्रोजेक्टर भी, सिस्टम भी, सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं। और जिनके पास अगर प्रोजेक्टर और सिस्टम है तो हम लोग सिर्फ किट प्रोवाइड करते हैं। और आप इस वीडियो को बड़ी ध्यान से देखिए, जिनको भी ये ज़रूरत है, आप हमें हमारे नंबर पर, जो यहाँ आगे चल रहा होगा, उस नंबर पर आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना लाइक और जितना शेयर करेंगे उतना ही हम भी मोटिवेट होंगे, हमारी टीम मोटिवेट होगी, और आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो, अच्छे अच्छे टूल्स लाते रहेंगे और अच्छी बातें बताते रहेंगे। जी, अब मैं आपको यहाँ पे अब बताऊँगा आपको कि कैसे ये प्रो वर्जन काम करता है और इसमें क्या टूल्स और क्या फैसिलिटीज है। और हाँ, एक चीज़ और भी मैं क्लियर कर दूँ, बेसिक वर्जन और प्रो वर्जन कोई अलग प्राइस नहीं है, दोनों एक में ही आपको मिलता है, एक ही प्राइस सेगमेंट पर मिलता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ। जी, मैं पेन के बारे में अब आपको बताने जा रहा हूँ। ये पेन है, आर्ट पेन है, इससे मैं लिखता हूँ, और इस पेन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न है, रेगुलर ले सकते हैं, इस तरीके से अलग अलग ले सकते हैं। पहले अगर ये मैं डॉटेड ले लेता हूँ, कलर ये रेड, इससे मैं लिख कर भी बताता हूँ, ठीक है। अभी आप देखिए, ए बी सी डी ई, अगर यही मैं अगर चेंज कर देता हूँ यहाँ से, अगर रेगुलर कर देता हूँ तो रेगुलर आ जाएगा, ए बी डी सी ई ई एफ आ रहा है। उसी तरीके से ये है, ये पेन यहाँ पे भी आप चीज चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से लेना है। ब्लू पेन यहाँ कलर दूसरा है, अब आप देखिए इस कलर में कैसा होता है, ए बी सी, ये पैटर्न है। पैटर्न में रेगुलर कर देता हूँ तो क्या होता है, डी ई एफ, ठीक है। और यहाँ से ये फॉन्ट साइज है, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, क्लिक करके इससे बड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पेन के बारे में, ये जो पेन है इससे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये फॉन्ट साइज भी है, ये चीजें रेगुलर भी है, ये चीजें येलो भी है, कलर भी आपको चेंज मिलेगा। थोड़ा सा इसको मैंने ऊपर में ड्रैग कर देता हूँ, ये देखिए इसको ऊपर में हो गया, लिखते जाइए ऊपर में स्क्रॉल करते जाइए, ठीक है। या इसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, जिधर भी आपको सही लगे, ठीक है। मैंने ऐसे किया, ऊपर में मैंने कर दिया। अब मैं इस पेन के बारे में बताने जा रहा था, येलो कलर में, ये देखिए कैसे लिखता है, ए बी सी डी, ये लाइट होता है, ये जनरली हम लोग जब ड्रॉइंग या कलर करते हैं ना, उसमें इसे यूज किया जाता है। हम चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन राइट था, अब मैं इसे दूसरा कलर में बी कलर चेंज हो गया, कलर चेंज आपको सॉरी अभी कलर कौन आ रहा है देखता हूँ। ऐसा है कि अब मैं किस पेन के बारे में, ये बड़ी मजेदार पेन, इसको बोलते हैं मैजिक पेन। और इसमें क्या खास है, मैं अभी आप देखेंगे, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे मैंने फिर से टच किया ग्लोब वाले पे, और इसको मैंने स्क्रॉल किया, मैजिक पेन पे मैंने टच किया, और इसका मैजिक देखिए, मैं मुझे सर्कल बनाना है, मैंने फ्री हैंड से सर्कल ऐसे बनाया, ऑटो शेप दे दिया, ठीक है। इसलिए इसको मैजिक पेन बोलते हैं, फ्री हैंड से जो भी मुझे शेप बनाना है मैंने शेप बनाया, ऑटो शेप ले लिया, इस तरीके से जो चीजें हैं यहाँ पे बनता है, जो भी आपने फ्री हैंड से किया ऑटो सेट किया।
तो ये भी डिस्कस हो गया। व्हाट इज दिस, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। फिर मैं ऐसे हम इसको देखते हैं एक पिलर इसको। अब जो है मैं बता रहा हूँ ये स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जब भी आप लेना चाहें, जैसे जहाँ भी लेना चाहें, मैं कलर अगर इसका भी चेंज करना चाहूँ चेंज कर दिया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जहाँ भी आपको खींचना है स्ट्रेट लाइन आप ले सकते हैं। ज्योमेट्री में अंडरलाइन करने में इस तरीके से जो भी स्टूडेंट है यूज होगा, आप स्टूडेंट लाइन ले सकते हैं, कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस फीचर्स के बारे में कि ये क्या है। ठीक है, ये देखिए, ये जो है आपको जहां जहां भी पॉइंट देंगे ऐसे उस तरीके से सेव करके ये दे जाएगा और ये बन जाएगा। उसको जहां कहीं भी मूव करोगे आप मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। कोई भी जैसे अगर इसको मैं किया है इसको भी मैं ऊपर कर दूँ और फिर देखिए इसका क्या यूज है। जो भी पॉइंट लेंगे वहाँ पे ऑलरेडी जैसे सेट का बनना चाहिए। ठीक है, देख रहे होंगे इसको मैं जैसे सेलेक्ट करके जहाँ भी मूव करना चाहूँ ये मूव हो सकता है। वेरी गुड, मुझे लगता है आप लोगों को मजा आ रहा होगा। आगे देखिए और भी इंटरेस्टिंग फीचर्स से मजा आएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी कीजिए और मैं आपको बहुत सारी चीजें बताते रहूंगा। मैं इसको फिर से मैंने इसको स्लाइड किया अगेन और अब इसके बारे में मैं बता देता हूँ कुछ ज्योमेट्रिकल। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ एक सॉलिड ज्योमेट्री आएगा और यहाँ पे प्लेन ज्योमेट्री। ये कैसे क्या होता है सॉलिड ज्योमेट्री वाले में मैंने ये किया सिलेंडर लिप्स प्रिज्म और कैन कोन जो भी आपको लेना है। अब मैंने सिलेंडर लिया, देखिए सिलेंडर बस पकड़ा ऐसे भेज दिया सिलेंडर हो गया। ठीक है, अब सिलेंडर में ये तो 3D इमेज है ही, मैं चाहता हूँ कि कलर फील हो। आप कलर फील कर सकते हैं, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं अब ले लेता हूँ ट्रेंड। क्या होता है देखिए यहाँ पे फील कलर है, फील कलर को अगर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ जो भी चाहे यहाँ से कलर फील वाला चेंज कर सकते हैं। आपको ऐसा कलर फील होगा, मैं येलो चाहता हूँ तो येलो फील होगा और रेड से इसका बॉर्डर लाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा। अब देखिए ये टच किया मैंने, टच करने के बाद टेट्राहेड्रॉन बन गया। कोई अच्छे उसी तरीके का आया, मैंने कलर फील दिया है। अगर मैं लेता हूँ प्रिज्म, देख रहे हैं जहां भी जिसको चाहूंगा वैसे भी मैं कर सकता हूँ, जहां भी जिसको चाहूंगा वैसे भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब वैसे ही आपको 2D प्लेन में है जिसको फिर से स्क्रॉल कर देता हूँ, होते जाएगा लिखते जाइए स्क्रॉल करते जाइए बहुत ही आसान है ये। अब ये जो है 2D प्लेन वाला है, सर्कल अगर कर लेता हूँ और लाइन आपको कैसा दिख रहा है, जैसे कि मैंने लिया था रेक्टेंगल लेना है मुझे, ये भी लिया ओके रेड था मेरा फील कलर येलो था। जो भी कलर जिसका भी आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहें या जिसका भी कलर चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। सर्कल भी इसमें रेडियस भी आ रहा है, सेंटर पॉइंट भी आ रहा है, ये सारा कुछ भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब जो है इसमें फीचर्स है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। अगर मैं कुछ और टेक्स्ट लिख लेता हूँ अभी मजा आएगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा मेरा राइटिंग बुरा है तो मेरे राइटिंग पे मत जाइएगा। आपका जैसा राइटिंग होगा उस तरीके से आप लोग लिख पाएंगे। ठीक है ना, तो मेरा राइटिंग बुरा है। a² + b² + अगर मैथमेटिकल टर्म्स भी गलत हो तो आप उस पे मेरा नोटिस मत कीजिएगा क्योंकि मेरा मैथ्स भी नहीं उतना स्ट्रांग है, बस मैं से लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इसके बारे में ए लिखा हुआ है यहाँ पे स्टूल्स में, इसको टच करने देखता हूँ। ये देखिए ये हाईलाइटर हो गया, जहाँ कहीं भी इसको मैं ले जाना चाहूंगा जो चीजें भी दिखाना चाहूंगा अगर बोर्ड पे है, चाहे आपके बोर्ड पे PDF ओपन हो, वर्ड ओपन हो, एक्सेल ओपन हो, किसी भी चीज को अगर आपने ओपन किया है उसमें से कोई पार्टिकुलर सेक्शन को आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं।
और जहाँ गए भी आप मूव करके उसको दिखाना चाहते हैं जिस सेक्शन से, वैसे आप दिखा सकते हैं। यहाँ से जो है आप क्विट करेंगे बाहर निकल आएंगे, ठीक है। वैसा ही ये है, इसको कर्टन बोलते हैं। आपने ऊपर में क्वेश्चन रखा है, ऑप्शन रखा है, और नीचे से अगर आप ऐसे कर देते हैं, नीचे क्वेश्चन लिख दिया, ऊपर में आपका ऑप्शन है, बच्चे देख के बताएंगे कि आगे सॉल्यूशंस देखेंगे। इसको जो है लेफ्ट राइट कहीं से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये जहां कहीं से भी करना चाहे, जहां कहीं भी कुछ करना चाहे, पटना लगाना चाहे, पर्दा लगाना चाहे, वहां आप इसको कर सकते हैं। अब जो है इसको मैं यहाँ से क्विट कर दूंगा, ठीक है। अब आपको जो है मैं इसके बारे में बताता हूँ, यहाँ जो है ये किस तरीके का है, ये भी टाइप का पैटर्न ही है। तो या जो बोर्ड है, जो बोर्ड पे कंटेंट लिखा हुआ रहेगा, जो भी बोर्ड पे कंटेंट रहेगा वो इस तरीके से हो जाएगा। इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं जैसा कलर चाहे। अब जिस सेक्शन पे ऐसे पेन आप चढ़ाएंगे वो सेक्शन दिखा, फिर वो सेक्शन कट के आपको दिखाई। इसको भी मैं यहाँ से क्विट कर सकता हूँ, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से हट गया। और आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे ये पहले मैं स्क्रॉल कर लू, ठीक है, अलग अलग कलर से भी लिख सकते हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। बट अभी मैं बता रहा हूँ, आप ये तो सीख ही गए होंगे। और इसमें इरेजर का भी यूज है, इरेजर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इरेजर पे आया, ठीक है, ऑब्जेक्ट इरेज करना है, ये ऑब्जेक्ट इरेज हो गया, जिस ऑब्जेक्ट को स्केच कर लिया, ठीक है। और अगर मैं रीजन इरेजर है, एक रीजन इरेजर यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ, दिख रहा होगा, तो रीजन इरेजर पे अगर मैं सर्च करता हूँ, जिस भी रीजन को मैं सिलेक्ट करूंगा वो रीजन से जो है आपको इरेज, ठीक है, जैसे कि आपको दिखा होगा। और ये है एक एरो, मैंने लिया ये एरो बता रहा है, इस एरो को चेंज करना है। इधर यहाँ आगे टिप पे टच करते हैं और ये एरो 360 को ब्रेक होगा, जिधर भी लगना चाहे, जिधर भी लगना चाहे, ये हो गया, ठीक है। देख रहे हैं, देख रहे हैं, और कैसे मैंने कर दिया इसको, जहाँ कहीं भी अगर मुझे मूव भी करना होता है तो ये मूव भी हो जाता है पीछे से, देख रहे हैं, इसका डायरेक्शन चेंज करना है, मैंने चेंज कर दिया, इधर लेफ्ट राइट करना है, ठीक है। ये आगे आगे पॉइंट पे दबाएंगे, इधर कर देंगे, आगे पॉइंट पे दबाएंगे, इधर कर देंगे, पॉइंट पे दबाएंगे, सॉरी आगे पॉइंट पे दबाएंगे, और इधर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब मैं आपके बारे में, अब आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ वो देख लीजिए। आपको मैंने ये चीजें बता दिया है, ये कैमरा है, कैमरा का जो सिंबल आ रहा है इसको मैं बता रहा हूँ। इसको करने के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जो नीचे डस्टबिन की तरह दिख रहा है कंसिस्टेंट, तो मेरे कंप्यूटर का जो भी फैसिलिटीज है उसको मैं यूज कर पाता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जैसे कि मैंने अगर इसको घूम लिया, अगर इसमें कुछ है आप देख लीजिए, ये और इसमें कुछ बात अगर मुझे वो मैंने यहाँ पे टच किया तो रीजन कैप्चर है, फुल स्क्रीन कैप्चर है। मुझे अगर रीजन कैप्चर करना है यहाँ पे मैं गया, इस रीजन को कैप्चर करना है, अगर मैं इतना रीजन सेलेक्ट किया, ये ऊपर की लाइन आ रहा हो, वो गया, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, जहाँ कहीं भी चाहूँ मैं मूव करा सकता हूँ, ठीक है। और इसको मैं बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ, चाहूँ छोटा भी, और ये जो है मेरा रोटेट भी हो सकता है। अब ये क्यों नहीं हो रहा, आप देख रहे मैं बड़ा कर रहा था तो नहीं हो रहा, ये सजेस्ट किया जाता है, दैट इज द रीजन ये नहीं हो रहा था, ये देखिए बड़ा हो गया, इधर हो गया, ये पकड़ा, एंड ये रोटेट कर सकता हूँ, ऐसे भी लगा सकता हूँ, इसको रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है, जो मैंने क्रॉप किया था उस हिसाब से। और एक चीज और है, जैसे कि मैंने ये आपको कोई रीजन कैप्चर किया और वहां से रीजन दिखा आगे, अगर मुझे फुल स्क्रीन कैप्चर करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जो हार्ड पेन आपको दिख रहा है यहाँ पे टच करके अगर हम रखते हैं तो इससे भी जो है हमारा स्क्रीन कैप्चर होता है, ठीक है। तो आपको मैं ये चीजें
अगर चाहते हैं सॉरी डार्क ब्राउन में, ठीक है, ये भी चीजें आप देख सकते हैं। इतना दूर को हटा के दीजिएगा, ठीक है ना, जो भी जहाँ पे स्क्रीन है स्क्रीन पहले मिनिमाइज कीजिए, स्क्रीन लाइट कितना होगा। अब जो है आपको स्क्रीन कैप्चर करना है, तो स्क्रीन कैप्चर के बारे में मैं बता रहा था कि कैसे स्क्रीन कैप्चर करेंगे। मैंने बोला था 8 पेंसिल लियो, मैं यहां पे मैं गेम टच में स्क्रीन वाले की, और ये जो है माइक वगैरह, ये पूरा स्क्रीन, अभी जो स्क्रीन आ रहा है जो भी चाहे आप स्क्रीन, इसको मैंने मिनिमाइज किया तो ये हो गया। अगर कुछ और चीजें हैं, अगर आप उसको चाहते हैं कि वो चीजें दिखे, मैं अगर इसमें ओपन करता हूँ, इसमें कुछ चीजें अगर मैं ले लेता हूँ तो वो चीजें आपको दिखेगा। जो चीजें वहां दिख रहा था, मैंने एक कलर और टूल्स वाला भी जो चीजें लिया था वो भी आया है। इस तरीके से ये चीजें आपको यहाँ पे दिखेगा आपको देखा। मैं अगर इसको चाहूँ इमेज कर सकता हूँ, छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, इसको जो है अगर चाहूँ मैं इमेज कर सकता हूँ, ऑब्जेक्टिव इमेज डिलीट करना, इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता। और एक चीज और, मैं ये मीडिया, ये देखिए मीडिया, मीडिया को अगर कंटिन्यू करूंगा जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो जो है रिकॉर्ड होता रहता है, वो इस तरीके से आपको बताएगा जो लास्ट इवेंट सेम पे मैंने किया है उसको, जो भी मैं किया हूँ वो चीजें यहाँ पे रिपीट होगा, बच्चे देख भी सकते हैं यहाँ पे चीजें आप पढ़ा रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे जो चीजें मैं कर रहा था वो आपको दिख रहा होगा, वो चीजें वैसे चल रहा है, आप इसको ठीक है देखा। अभी मैं ये मीडिया जो है ना, मीडिया के बारे में मैं बताऊंगा कि इस मीडिया का क्या यूज है और कैसे ये काम आता है, ठीक है। मैं कुछ चीजें अभी आपके सामने लिखता हूँ, सेलेक्ट नहीं हुआ था इसलिए ऐसे हो रहा था, ठीक है, नीचे वाला नहीं हटा, ओह सॉरी, ये जो चीजें हैं मैंने चलाया इसी भी नहीं, और अब मैं ये कर लिया हूँ और मैं कुछ चीजें और आपको बता दूंगा कुछ लिखने के बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब ये चीजें मैंने लिखा है, इस चीज को मैं इस तरीके से स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, इधर में जो फिर मैंने कुछ लिखा, फिर मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे कुछ भी बना देता हूँ आप देख सकते हैं। और अब मीडिया में मैं आपको यूज करता हूँ क्या, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक किया जो चीज़ मैं जो भी काम किया
जल्दी से मैं सारा वीडियो अभी एंड हो जाएगा, तो फिर मैं आपको अगला टूल्स और अगला फीचर्स के बारे में बताऊंगा। अभी थोड़े बहुत और भी फीचर्स हैं जिसको मैं बताऊंगा, कुछ एडवांस फीचर्स भी हैं, अभी सारा बैग रुक जाइए। कुछ तरीके से आपको लिखा हुआ आ रहा है, जैसे मैंने किया था लास्ट वीडियो जो है आपको दिख रहा होगा ये चल रहा है, और ये लिखने के बाद जो है एकदम इस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको जो है दूसरा और नया टूल्स और स्किल बता रहा हूँ। इसमें जो है अब ये क्या चीज है, ये आप देख लीजिए, ये अब रूलर, ठीक है, ट्रायंगल रूल, प्रोटेक्टर, कंपास, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। टेस्ट आपके लिए जो भी है हमसे भी ज्यादा बेहतर जानते हैं, ये टूल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, और बिल्कुल आप बहुत बढ़िया सिस्टम यूज कर पाएंगे। ये देखिए, यहाँ से मैंने रूलर, ये रूलर आगे आपको जितना सेंटीमीटर जैसे भी बढ़ाना है आप बढ़ा लीजिए, कर लीजिए, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर इससे मुझे कोई स्ट्रेट लाइन लेना है, मैं लाइन पे गया तो कितना मुझे लाइन चाहिए था, यहाँ से मुझे 10 सेंटीमीटर का लाइन चाहिए, 10 सेंटीमीटर मैं ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं कंपास लिखना चाहूँ तो कंपास मैं लिख सकता हूँ, कैसे ये कंपास का क्या है मैं बता देता हूँ। ठीक है, उसको नीचे कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ। ये कंपास में देखिए यहाँ पे एंगल होता है, अगर इसे हाथ बढ़ाना है एंगल बड़ा करना है छोटा करना है कर सकते हैं, रेडियस बड़ा छोटा करना है आगे पीछे करेंगे रेडियस बड़ा छोटा होगा जितना भी चाहिए रेडियस। ठीक है, उस हिसाब से आप रेडियस को छोटा बड़ा कर सकते हैं, अब जैसे ये स्केल है स्केल के हिसाब से भी आप जो है देख सकते हैं। कितना आपको चाहिए वो नाप सकते हैं, 3.5 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, आपको दिख रहा है, और अगर चाहें एंगल आप इसी पे जितना भी है रेडियस इस पे आप जो भी चाहें बढ़ाना आप बढ़ा सकते हैं, ऐसे घटेगा एंगल ऐसे बढ़ेगा एंगल, ये आपको भी पता होगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तरीके से आप आर्क बना सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं, और भी जो इसमें का चीज है आप उसको यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर का भी यूज आप कर सकते हैं। ये प्रोटेक्टर लिंक, प्रोटेक्टर एक लाइन है 10 सेंटीमीटर का, यहाँ पे अगर एंगल बनाना है जो भी एंगल बनाना है मैंने ये स्ट्रेट लाइन लिया, और यहाँ सेंटर से जो है मैंने 50 डिग्री का लेना था जितना सेंटीमीटर चाहिए वो सेंटीमीटर आप स्केल से भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है, ये यहाँ से जो है कितना कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 40 डिग्री का है, तो वहाँ पे आपने देखा भी था ज्योमेट्री भी डील करने के लिए बहुत ही बढ़िया है, ज्योमेट्री का जो मैथ था ना उसमें बहुत बढ़िया से डील कर सकते हैं, बता सकते हैं, जो कि अगर बच्चों को कॉपी पे बताना होता है तो बहुत ही दिक्कत होता है, दिक्कत इन द सेंस कि हर लोगों को कॉपी पे जाके बता नहीं सकते हैं क्लासेस में, और बोर्ड पे ऐसा कोई टूल्स नहीं होता है उससे आप मेजर कर रहे हैं एक्यूरेटली और बता रहे हैं कि कैसे आप इस ज्योमेट्रिकल टूल्स को यूज करके ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व बना सकते हैं, बट यहाँ पे इस तरीके से और भी फीचर्स हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है कुछ मैग्नीफायर कैलकुलेटर रैंडम सिलेक्शंस हैं, जैसे किसी चीज को अगर क्लोन करना है उस चीज के लिए भी है, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ये आपको इसमें अंदर सॉरी ये जो सेलेक्ट कीजिए उसको करना है, अब जैसे इस चीज को मुझे कॉपी करना है वो नहीं सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट टूल्स पे क्लिक कीजिए पहले। हाँ, मुझे ये लाइन कॉपी करना है, ये लाइन कॉपी करना है, कॉपी करने के लिए बस क्लोन पे क्लिक कर दो, क्लोन हो गया। ठीक है, मैं कुछ और सेव बना रहा हूँ,
या कोई इमेजेज आपने लाया, छोटा सा इमेजेज लाया, ठीक है, इसमें आप कलर भी फिल कर सकते हैं, बना सकते हैं, बेसिक वर्जन में और भी ड्राइंग ड्राइंग बच्चों के लिए सारा कुछ कर सकते हैं, वो सारा फीचर्स भी है, ठीक है। अगर कलर इसमें फिल करना है, जैसे अगर मैं फिल करना चाहूँ ये देखो, इस हिसाब से कलर भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया है। रेगुलर कलर में आप फिल कर सकते हैं, आप जो उनसे बहुत बढ़िया ड्राइंग कर सकते बहुत बढ़िया तरीके से कलर कर सकते हैं। बढ़िया से ही बना सकते हैं, थोड़ा सा इस हिसाब से आप ड्राइंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज का तो प्रो नहीं करना है, बार बार मुझे लिखना नहीं है, करना नहीं है, तो उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे होगा, तो आप जो है इसको सिलेक्ट कीजिए, सॉरी इतने चीज को या पूरे चीज को जितने को करना है, ये अंदर वाला मैंने सिलेक्ट किया था, इसलिए आया आपको समझ में आ रहा है ना, इस चीज को मैंने सिलेक्ट किया था यहाँ से, इसलिए ये आया, ठीक है। अगर डिलीट कर दूंगा, अगर डिलीट करना होगा, ठीक है, जितने भी सेक्शन को डिलीट करना है, डिलीट मैंने किया, डिलीट हो गया। इस हिसाब से आप क्लोनिंग भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल हो गया, डिलीट सिलेक्टेड हो जाएगा, इस तरीके से कुछ चीजें पेस्ट करना है तो ये पेस्ट भी कर सकते हैं आप। जैसे लास्ट मैंने ये वाला हमारे टूल से जो कॉपी हुआ था वो चीजें पेस्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके से पेस्ट भी हो जाता है। और अप्रोक्सीमेटली टूल्स में बता दिया हूँ, कुछ और भी टूल्स हैं, एडवांस टूल्स हैं, जैसे इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि ये क्या है। सबसे पहले उससे पहले बताने से पहले इसको मैं ब्लैंक कर लेता हूँ, और ये टूल्स बड़े कमाल का टूल्स हैं, इस पर आप टच करेंगे फिर बोर्ड पे टच करेंगे, और इसके जिस भी फॉर्म में आप फ्री हैंड से जो भी लिखना चाहें आप इसमें लिखते हैं, ठीक है, इस पर आप टच करेंगे, ये आपको एक सामने बोर्ड खुलेगा, और इस पर आप जो है जो भी चीजें चाहे आप लिख सकते हैं अपने स्टाइल में, बट वो बाय डिफॉल्ट स्टाइल, जैसे कि जो भी वर्ड का फॉन्ट स्टाइल होता है वो लिखा आएगा, लेकिन अभी हम अपने फ्री हैंड से लिख रहे हैं और वो जो है आपको डिफरेंट ये हो जाएगा, ऐसे हो गए। देखा आपने, इसको किया आप बस लिखते रहेंगे इस हिसाब से, अब ये देखिए ये बाय डिफॉल्ट जो है आ गया, इस हिसाब से जो है आप बहुत चीजें लिख सकते हैं और बाय डिफॉल्ट आपको कैरेक्टर्स लेगा, ठीक है, और वहां यही से सारा कैरेक्टर भी जो है फॉन्ट स्टाइल भी है जो चेंज हो, जो भी आप चेंज करना चाहें इसमें आप फॉन्ट स्टाइल एरियल, जैसे अभी एरियल का जो भी करना चाहें यहाँ से लेंगे, बाय डिफॉल्ट वो आपको चीजें लिखना है, ठीक है। कुछ अगर आप कीबोर्ड से लिखना चाहते हैं कीबोर्ड से फटाफट फटाफट टाइप करेंगे, और जिस भी फॉन्ट में आप चाहते हैं उस फॉन्ट में आपको बोर्ड पे लिखा हुआ आ जाएगा, अंडरलाइन करना चाहे, इटैलिक करना चाहे, बोल्ड करना चाहे, स्ट्राइक थ्रू करना चाहे, फॉन्ट को बड़ा छोटा करना चाहे, कलर चेंज करना चाहे, यहाँ से पैटर्न चेंज करना चाहे, जो भी करना चाहे, बहुत सारे इसमें इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जो है कुछ अगर यहाँ पे इमेजेस बनाना चाहते हैं, ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं, ड्राइंग करना चाहते हैं तो ड्राइंग टूल्स भी यूज कर सकते हैं, सारी चीजों को आप रख सकते हैं अपने पास और वहां से जो है आप यूज कर सकते हैं। अगर ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के लिए बहुत बढ़िया है इसके टूल्स, बहुत बढ़िया से आप बना सकते हैं, जैसे ग्राफ का चीज उसमें रखा हुआ है और करके दिखा देता हूँ ग्राफ का स्टाइल ले करके, जैसे मैंने ये लिया, ठीक है, ये ओपन कर दिया,
ये आ गया, इतना बड़ा भी करना है कर लीजिए, और जैसे भी आपको इसमें बताना है बता दीजिए, x है, x डैश है, y है, y डैश है, x का वैल्यू y का वैल्यू जैसे लोग पुट करते हैं, और x और ये y, और x और y का जो भी वैल्यू आएगा उस हिसाब से ग्राफ जो है एक इक्वेशन के हिसाब से आपको बहुत बढ़िया जानते हैं, और जो भी आएगा वो आप कर सकते हैं। मैंने कर लू चलिए, ऐसा ही कुछ ग्राफ का वैल्यू आता है जो भी अगर इक्वेशन के हिसाब से ऐसा ही ग्राफ बनाया जाता है। वन है अगर x का वैल्यू वन है तो y का टू है, x का वैल्यू अगर वन है तो y का टू है, मतलब दैट टू है, टू है, टू है, टू है, तो थ्री है, फोर है, थ्री है, इसका फोर है, सॉरी, इस हिसाब से आप लाइन लिख सकते हैं, इस हिसाब से लाइन लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, जैसे भी करना चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं, इससे भी कंटिन्यू करना चाहे जितना चाहते हैं। जहाँ से मैंने फीचर्स वगैरह क्लिक किया था वहाँ से ये सारे फीचर्स वगैरह कंटिन्यू रहेगा और आपको दिखते हैं, दिख रहा होगा, और मैं आगे कर लेता हूँ, और आगे कर लेता हूँ, और फिर से मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, देखिए दिख रहा है, और ये जो फीचर्स था यहाँ से फिर से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, और आप देखिए ये चीज़ें दिख रहा है आया। अभी मैंने पेज को ब्लैंक किया था, इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, जैसा मैंने किया है वैसा आपको यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। वीडियो मेरी गाइड में आता है, मुझे भी आप करा सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज है। और भी कुछ चीजें हैं यहाँ पे, और तो कुछ फीचर्स हैं जो आपको बताएंगे, यहाँ पे कैलकुलेटर ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर का भी यूज कर सकते हैं, जैसे देखिए अभी मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया, ठीक है, इस तरीके से बैकग्राउंड में इमेज भी आप लगा सकते हैं, जो भी इमेज लगाना चाहे लगा सकते हैं, बोर्ड को डेकोरेट भी कर सकते हैं, उसके बाद में पढ़ा सकते हैं, इस तरीके से यहाँ से भी कुछ जो फीचर्स जो वहाँ पे आपको मिल रहा था वो फीचर्स कुछ आपको यहाँ से भी मिलेगा, ठीक है। बैकग्राउंड में वाइट कर देता हूँ, इससे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, या फिर रेड जिधर भी आप करना चाहें उस सुविधा के हिसाब से वैसे हो सकता है, ठीक है। यहाँ से जो है कुछ लैंग्वेजेज है उसको भी करता है, ये कुछ जो नीचे आपको हमने सेव जो बताया था वही सब चीज है, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, यहाँ से भी क्वालिटी में भी है, टूल्स है, कुछ ऐसे टूल्स है उसको भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, फुल स्क्रीन कैप्चर था, स्क्रीन कैप्चर था, आपको जो स्क्रीन कवर मैंने दिखाया था दो तीन तरीके का वो है, आपको स्क्रीन लॉक लॉक भी होता है, लॉक आपको मैंने दिखाया था, मैं फिर से दिखा देता हूँ, इस तरीके से लॉक हो जाता है, जो भी आप किए होगा वो उतना ही लॉक है, कुछ इसमें चेंजेस नहीं कर सकता है, अगर आप बीच में थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, लॉक कर दिए या कुछ लिखे हुए क्वेश्चन लिखे लॉक कर दिए, आप बताइए इसका सॉल्यूशन, ठीक है, उस हिसाब से कर सकते हैं, उसको ब्रेक करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं, अपने हिसाब से जितना बढ़िया चाहे आप इसको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, कंपास है, प्रोजेक्टर है, ट्रैकर है, रूलर है, जो आपको मैंने बता रहा था वो सब चीज यहाँ पे जो है लॉक है, ये दिख रहा होगा आपको क्लॉक, डिस्को ड्रॉप करना चाहें तो डिस्को ड्रॉप हो गया, इस तरीके से आएगा, ठीक है। इस मेनू पर फिर से अगर आप क्लिक करते हैं और आप जो है काउंटडाउन टाइम करना चाहते हैं कि बच्चों को क्वेश्चन देकर के इतना सेकंड का मैंने टाइम दिया उस दौरान बना दे, तो ये आपका जो है अगर एक मिनट का हमने दिया है स्टार्ट कर दिया, जितने भी मिनट का करना चाहें ये काउंट है शुरू हो गया, इस तरीके से जो है बहुत सारे फीचर्स हैं, इसमें आप कर सकते हैं, बीच में पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलर टाइमर है, पॉइंट टू क्लॉक है, क्लॉक के जो आपको दिख रहा था, ये डिजिटल क्लॉक के जो आपको दिख रहा था, ये रेगुलर टाइमर है जो आपको दिख रहा है, स्टार्ट में निकल दिया, ठीक है, और भी है काउंटडाउन टाइम है जिसमें लगाया था, ये स्टार्ट कर, ये
ये जो है चीजें हैं, और भी यूट्यूब फीचर से इसमें वीडियो भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से इमेज भी ओपन कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया था कि किस क्वालिटी का इमेज आप ओपन कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे जा सकते हैं, डेस्कटॉप पर पीछे स्विच कर सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ से वीडियो आप ओपन कर सकते हैं। कुछ चीजें और मैं दिखा दूँ आपको, ड्रॉइंग वाली चीजें दिखा दूँ, ड्रॉइंग पेंटिंग करना ऐसी चीजें हैं आप रखे हुए, बच्चों के लिए भी बड़ी यूजफुल है। जैसे मैंने अगर ये किया, इसको मैंने ओपन किया, मुझे कलर फील करना है तो आप अपने हिसाब से जो है कलर फील। आपको एक पैटर्न राइटिंग मैंने नहीं दिखाया था, ये जो है मेरा पैटर्न राइटिंग वाला, मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं कलर इसमें फील कर देता हूँ, कुछ कलर अगर फील करना है जो भी कलर फील करना है, एक्सपर्ट है वो, आप इसमें कलर फील कर सकते हैं। इस चीज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइन ड्राइंग करना चाहते हैं, लाइन ड्राइंग भी कर सकते हैं, ब्लैक कलर करना चाहें ब्लैक, अगर पतला पॉट करना चाहें पतला पॉट कर लीजिए। जैसे जो भी आप करना चाहें सब कर सकते हैं, अलग कलर अलग शेड भी दे सकते हैं इसमें, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो जितना जिसका इंटरेस्ट टेस्ट बढ़िया है वो इसमें उस हिसाब से कर सकते हैं। इस तरीके से ड्रॉइंग कलर कर सकते हैं, जो भी चीजें बना सकते हैं। आगे और भी मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा, और इसमें और भी लिटिल बिट टूल्स है, जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर भी आप यूज कर सकते हैं बोर्ड पे। और भी लिटिल बिट बस टूल्स बच गया है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर के आऊंगा। आप जरूर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको कीजिए। और जिस किसी को भी अगर ये चीजें वाइट इंटरेक्टिव बोर्ड बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट पे अगर जरूरत है, आप हमें ये ले सकते हैं, आप हमसे ये ले सकते हैं। पैन इंडिया हम लोग जो है इसकी सर्विसेज दे रहे हैं, इसको इंस्टॉल करा रहे हैं, इसके लिए आपको नहीं सोचना है। वंस अगेन मैं बता दूं कि इसमें आपको क्या क्या जरूरत है, एक प्रोजेक्टर, एक इंटरेक्टिव किट और कंप्यूटर इसके लिए चाहिए, ठीक है। और वो कंप्यूटर मतलब सीपीयू आपका हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, और इसको यूज कीजिए। आप भी स्मार्ट बनिए, क्लास में स्मार्ट बनाइए, बच्चों को भी स्मार्ट बनाइए। बस इतना ही करके, थैंक यू।